हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों को रेडीमेड साड़ी सिखाने वाला हूँ किस तरह से बनता है। ये देखिए मेरे पास साड़ी आया हुआ है। इसको पूरा बनाने का मैं आपको प्रोसीजर दिखाने वाला हूँ। आपको सबसे पहले इसका फॉल वेडिंग करवा लेना है। सबसे पहले आप साड़ी का फॉल वेडिंग करवा लीजिए। आप देखिए फॉल वेडिंग इसका हो चुका है। अब क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए ये आपका पल्लू है जिसे माचल भी कहते हैं। ये सीधे साइड में है। इसको आप पल्लू के साइड से आपको 3.25 मीटर आपको इस साइड छोड़ देना है। 3.25 मीटर छोड़ना है आपको। 3.25 मीटर कितना होता है मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए ये 41 मीटर हो गया। फिर से यहाँ से आप ले लीजिए 40, ये आपका 2 मीटर हो गया। फिर यहाँ से आप ले लीजिए 30 इंच। ये देखिए 30 इंच, ये आपका 3.25 मीटर हो गया। 3.25 मीटर आपको छोड़ दे, ये आपका 30 इंच हो गया। 1 मीटर, 2 मीटर और 30 मीटर, ये हो गया आपका 3.25 मीटर हो गया आपका। 3.25 मीटर छोड़ के आप पल्लू के साइड में 3.25 मीटर हमने छोड़ दिया है। और वहीं से जो भी आपका साड़ी का लेंथ हो, जैसे कि 40 इंच हो, 42 इंच हो, चाहे 36 इंच हो, जितना भी इंच हो उतना आपको यहाँ से मेजर टेप वहाँ से नीचे से ऊपर का लेंथ ले लीजिए। आप जितना भी लेंथ हो वहाँ से आप आधा इंच कम करके ये एरिया पूरा कट कर दीजिए। देखो मैंने यहाँ पर कटिंग कर दिया हूँ। ये ऊपर का एरिया है, आपको समझ में आएगा। ये देखिए ये पूरा सीधा आपको काट देना है। यहाँ से पूरा सीधा कट करना है। ये आपको साड़ी का लेंथ लेना है, जो भी आपका साड़ी का लेंथ रहेगा, 38 इंच, 40 इंच, जो भी रहेगा समथिंग। आपका साड़ी का जो भी लेंथ रहेगा उससे आपका लेंथ में से आपको 1.5 इंच माइनस करना है। 1.5 इंच माइनस करके आपको ये ऊपर का एरिया देखिए पूरा कट कर देना है। ये देखिए मैंने ऊपर का एरिया कट किया है। और यही वाला यहाँ पे इसको बेल्ट लगेगा और इसके अंदर लास्टिक अटैच होने वाला है यहाँ पर, तो साड़ी का जो लेंथ है आपको मिल जाएगी। आपका जो भी लेंथ रहेगा, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, आपका जो भी लेंथ रहेगा उसमें से आपको 1.5 इंच माइनस करना है लेंथ में से, क्योंकि ऊपर ये फिर से ऐड होने वाला ही है यहाँ पर। तो आपका लेंथ आपको पूरा मिल जाएगा जो भी रहेगा आपका 38 या 40। ये देखिए ये जो कटा हुआ है यहाँ से पूरा बॉर्डर, यहीं से आपको क्या करना है 10 इंच की मार्किंग करना है। 10 इंच यहाँ से जो कटा हुआ एरिया ही है आपका, 10 इंच की मार्किंग करके आपको ये बड़ा सा प्लीट लगाना है। इस तरह से लगा देना आपको प्लीट। ये देखिए ये मैंने 10 इंच का एक प्लीट लगाया हूँ। और इसको क्या करना है, ये आपका जो एरिया कटा हुआ है इसे 1 सेंटी आपको आगे लेना है। यहाँ से 1 सेंटी इसको आगे चढ़ा लेना है और इसको अब एक पिन लगा दो जो कि निकले नहीं है। और इस प्लेट को इस तरह से नीचे तक आपको प्रॉपर फोल्ड कर देना है। फिर आपको क्या करना है, फिर यही जगह से आपको फिर से 10 इंच की मार्किंग मारना है फिर से। ये देखिए फिर इसको यहीं से सीधा सीधा आपको उठा के फिर इस प्लेट के ऊपर आपको फिर रख देना है। आपको फिर इसके ऊपर ये पिन यहाँ लगा दीजिए, ताचनी पिन जो भी है। फिर यहाँ पे देखिए इसका प्लेट को अच्छे से यहाँ भी तोड़ लीजिए अच्छे से इस तरह से। फिर से आपको फिर से यहाँ से 10 इंच का फिर से आपको मार्किंग मारना है इस तरह से। आपकी 2 प्लेट हो गई, ये 3री प्लेट आ रही है।
ये देखिए तीसरा प्लेट आ गया, इसको फिर से ठीक कर लो। ये आपका तीसरा प्लेट हो गया, इसको फिर से यहाँ पर टाइचनी पिन लगा दो इस तरह से। ये देखो आपका तीन प्लेट हो गया है, आपको दो प्लेट और मारना है, आपको पांच प्लेट आपको रेडी करना है। ये देखिए एक दो तीन चार पाँच, पांच प्लेट हमने लगा दिए। अब इसको आपको पिन मार देना है जो कि खुले ना। ये देखिए ये जो एरिया बचा हुआ है, ये पूरा ये जो एरिया बचा हुआ है ये चलाएगा यहाँ पे, जैसा कि हम लोग लपेट के पहनते हैं साड़ी को, ये अंदर का आ जाएगा, ये यहाँ पे सेंटर में आ जाएगा यहाँ पे, और ये घूम के यहाँ आ जाएगा और ये आपका पल्लू बन जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे किया जाएगा। यहाँ से आपको 4.5 इंच की मार्किंग मारना है और ये आपको सिलाई मार के लॉक कर देना ये वाला एरिया, जिससे कि आपकी प्लेट ये खुलेगी नहीं। और ये मारने के बाद फिर ये वाला पल्ला उठा के आपको, ये वाला पल्ला उठा के आपको यहाँ अंदर सिलाई मारना है कम से कम 8 इंच। ये वाला पल्ले को हटा के आपको लॉक कर देना है सिलाई मार के। आइए देखते हैं। ये आपको 4.5 इंच आपको बंद कर देना है। देखो अभी इन्हें सिलाई लग गया है, अब ये खुलेगा नहीं। अब इसको हटा के आपको इसको भी सिलाई मार देना है अंदर वाले पल्ले को। ये कितना मारना है आपको, समथिंग 8 इंच तक मार दो आप। 8 इंच आप लोग इधर मार दीजिए, जिसकी प्लेट ये खुलेगा नहीं और अच्छी तरह से पहनने पे शो होगा। ये आपका सिलाई लग गया है, ये देखिए लॉक हो गया है, ये आपका प्लीट तैयार हो गया सब। ये देखिए कितना अच्छी तरह से, इस तरह से आप प्लीट को अच्छे से पकड़ लीजिए। ये देखिए ये आपका रेडी साड़ी होने वाला है। अब फॉल लगाने से इसका फिनिशिंग बहुत अच्छा आ जाएगा, जो कि प्लीट का नीचे का एरिया है। देखिए अब इसको क्या करना है, आपको ऐसा उल्टा कर देना है, उल्टा कर देना है इस तरह से। ऐसा आपको उल्टा रख के फिर ये जो अस्तर है इसका, जो कि पेटीकोट कहते हैं हम लोग, इसको इसी में अटैच करना है। रेडी साड़ी में ऐसा पेटीकोट अटैच होके बनता हुआ है। ये जो मेन पल्ला है उससे ये समथिंग 1 इंच कम हो जाए बस चलेगा, 1 इंच से ज़्यादा छोटा मत करो। ये अस्तर जो हम लगाने वाले हैं, जो कि पेटीकोट का काम करने वाला है, इसको हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे एक हम फोल्ड कर लेंगे और इसको हम अटैच कर लेंगे, और ये साथ में इसको अटैच करेंगे, इसको साथ में अटैच होएगा ये वाला लास्ट अंदर वाला एरिया। आइए एक साइड का इसको पक्का कर लीजिए। ये कंप्लीट हो गया है। ये देखिए जो प्लीट लगा हुआ है ये उल्टे साइड का एरिया है, ये उल्टे साइड का एरिया पे आप इस तरह से इसको रख दीजिए आप। ये देखिए ये मैंने जो मोड़ा था ये पल्लू के साइड में जा रही है वाला, ये हवे में रहेगा ऐसे ही, और इसको आप इसको यहाँ से अटैच कर दीजिए। इस तरह से अब इसको भी इसको आप इसी तरह से पक्का कर दीजिए यहाँ पे।
ये अंदर साइड का एरिया है, खोलना नहीं आप। ये देखो ये नीचे का एरिया जो है ये अपने को फोल्ड कर देना है इस तरह से। इससे आधा इंच छोटा रहे, आधा इंच से एक इंच छोटा रहेगा तो भी चलेगा। ये नीचे का एरिया है जहाँ पे फॉल बीटिंग लगता है, वो वाला एरिया है, इसको भी आप पक्का कर दीजिए आप। ये देखिए ये नीचे का एरिया हो गया, ध्यान से देखिए ये ऊपर का एरिया हो गया, ये देखिए। और ये हवे में रहेगा, ये प्लेट के साइड का जगह का है, ये देखिए ये हवे में रहेगा, यही पेटीकोट का काम करेगा। ये देखिए ये इसका सीधा साइड का ये, और ये उल्टे साइड में ये हमने अस्तर लगाया हुआ है, ये देखिए। अभी हम क्या करेंगे, ऊपर बेल्ट लगाना है, तो आप क्या करेंगे, एक कैनवास लेंगे, ये देखिए कैनवास है और एक इलास्टिक है, ये जो भी आपका वेस्ट रहेगा उसका एक भाग लेना है। अगर आपका वेस्ट 36 है तो आपको 9 इंच रेडी लेना है, एक टुकड़ा इलास्टिक का 9 इंच, फिर एक कैनवास का 9 इंच, दो टुकड़ा ये लेना है, बाकी ये पूरा ले लेना है जितना आपका वो अंदर वाला पल्लू जाने वाला है। तो इसको अटैच कैसे करेंगे, पहले ये प्लेन वाला लेंगे, फिर इलास्टिक लेंगे, फिर ये प्लेन वाला लेंगे, ये देखिए बीच में इलास्टिक, इसको पहले हम अटैच कर लेंगे मशीन पे, फिर इस बेल्ट में हम लोग लगाएंगे, फिर ये बेल्ट उस साड़ी पे लगेगा। आइए देखते हैं, इसको आपको अटैच कर लेना है, देखिए ये प्लेन वाला हो गया, ये इलास्टिक हो गया बीच में, और ये एक्स्ट्रा ये समथिंग 50 इंच होएगा, और जो एक्स्ट्रा बाद में रहेगा वो हम काट देंगे। आप देखो ये ऐसे, ये देखो ये सीधा साइड है, ये जो बेल्ट है इसमें आपको इस तरह से इसको एक सिलाई मार लेना है, पहले एक दांत की मारो, ये देखो ये जो एक्स्ट्रा वाला है ये वहां अटैच हो जाएगा और ये वाला फाइनल हो जाएगा। ये देखो ये जो इलास्टिक है इसको आपको खींच के मारना है यहाँ से, ये जो प्लेन था आपने तो मार दिया, लेकिन लो इलास्टिक का एरिया इसको आपको तान लेना है, जितना आप तान सकते हो उतना तान लो, और फिर इसको साथ में अटैच करना है आपको इस तरह से। इसको आपको खींच के मारना है इस तरह से, और एक बार और करना है जितना कि आपका पूरा एरिया है कंप्लीट हो जाए। ये देखो इतना एरिया आपको खींच के मारना है, ये देखो फिर आपका क्लीन हो जाएगा, बेल्ट आपका ही आ जाएगा, देखो ऐसा इतना आपको खींच के मारना है, इतना ध्यान देना आपको। इसको यहाँ पे कंटिन्यूट आपको रख देना है जैसा है ये। जो एक्स्ट्रा वाला है ये इसको आपको कट कर देना है, ये देखो अब इसको आपको इस तरह से यहाँ से अटैच करना है। तो आपको क्या करना है, उल्टे साइड से इसको
एक सेंटी आपको बाहर निकाल देना है, जो कि आपको यहाँ पे फाइनल पक्का करना पड़ेगा। एक सेंटी आप इसको बाहर निकाल दो यहाँ से, और ये उल्टे साइड से इसको लगाना शुरू करो आप। ये जो पल्लू के साइड का एरिया है, ये उल्टा साइड है जो कि इनर के साइड का ही है। इसको एक सेंटी आप बाहर निकाल दो इस तरह से, और ये पल्ला हटा लो ऐसा। अब इसको आप अटैच कर दो। इसको इस तरह से अटैच करते आपको चले जाना है। देखो इलास्टिक का एरिया है, इसको भी आपको पूरा क्लियर करके ही मारना है। यहाँ पर पूरा क्लीन करके मारिए आप लोग। इस तरह से देखिए जो भी एक्स्ट्रा है उसको आप कट कर दीजिए, क्योंकि आपको फाइनल यही होने वाला है। इसको ऐसा मोड़ दीजिए एक बार, मोड़ के इस तरह से आप मार दीजिए। अब यही देखिए, ये ऐसा फोल्ड करके यहाँ पे ये पक्का हो जाएगा इस तरह से। देखिए ये आपकी बेल्ट बन जाएगी। ये देखो ये आपका बेल्ट बन गया। ये सीधे साइड का एरिया देखो पक्का होने वाला है इस तरह से। इसके ऊपर ही इसको पक्का कर देना है। देखिए मैंने अंदर से लगाया, ये सीधा इसके साइड में ही फाइनल हो जा रहा है। ये देखिए दोनों साइड से। ये देखिए ये अपना इलास्टिक का साइड का एरिया आ गया। इसको भी आपको ऐसा तान देंगे, देखिए बराबर हो गया। ये देखिए इसको भी आपको तान के ही मार देना है इसके ऊपर, जो कि आपका फिनिशिंग गुड रहेगा। इस तरह से खींच के मारिए और दोनों साइड हाथ लगा के। ऐसा खींच लीजिए आगे पीछे। आपको मेरी मेहनत तो दिखाई दे रही होगी। आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड में। ये देखिए इस तरह से। मैं अच्छा अच्छा वीडियो आपको ला कर दिखाते रहूँगा, हमारे भी हौसले बढ़ेंगे। देखिए ये यहाँ पे ये फाइनल हो रहा है। अब यहाँ से आपका साड़ी का ये जो भी आपका साड़ी का लेंथ रहेगा यहीं से लिया जाएगा। आपका कितना भी आपको काटना आप यहाँ से काट सकते हो। जितना भी आपका साड़ी का लेंथ लेना है, ये जो आपका लेंथ फुल है वहाँ से आप काट दो डेढ़ इंच माइनस करके, क्योंकि देखिए डेढ़ इंच बढ़ जाएगा क्योंकि हम यहाँ ऐड कर रहे हैं बेल्ट। ये आपका फ्रंट का एरिया है। और जो भी ये चीज़ आपका बचेगा, इसको आपको इस तरह से चून मार के
ऐसा चून मार के इसको इसके अंदर ही रख के देखिए, ऐसा फाइनल कर देना इस तरह, देखो ये फाइनल हो जाएगा। इसको आपको ऐसा प्लीट मारना है इस तरह से, सीधा सीधा प्लीट मार के यहीं रख देना है, ये देखिए इस तरह से, और इसी से इसको ढक देना है। ये जो एक्स्ट्रा छोड़ा गया था ये, इसको इसे ढकने के लिए बनाया गया है, ये देखो इस तरह से। ये आपका एरिया भी पक्का हो गया, ये यहीं से आंचल निकलेगा, ये फिर इसको भी आप लॉक कर दीजिए सब हम आगे। देखिए ये आपका आंचल है, ये आपका 3.25 मीटर आंचल है, ये 3.25 मीटर आंचल है, ये सीधे साइड का एरिया है, और ये आपका 5 प्लीट, और यहाँ से प्लेन वाला बेल्ट, फिर यहाँ से ये इलास्टिक, और फिर यहाँ से प्लेन वाला जितना बचा हुआ आपको पूरा तक लास्ट तक लगा देना है। और यहाँ पे हम अभी एक डोरी लगाएंगे, और एक डोरी यहाँ पे लगेगा जो कि आपको नॉट बांधने में सहायता देगा, अंदर से आप बांध लेंगे तो आपकी साड़ी खुलेगी नहीं, वो मैं आपको भी बताने वाला हूँ। और एक आई हुक लगाने वाला हूँ जिससे कि आप कम ज़्यादा छोटा कर सकते हो हुक फंसाने वाला। आपकी ये साड़ी तैयार हो गई है, तो देखिए जो प्लीट मारे हैं हम लोग सीधा साइड वाला, जो प्लीट लगा है सीधा साइड वाला, वहाँ पे आपको एक 30 इंच का नाड़ी लगा देना है। देखिए यहाँ पे नाड़ी आपको अटैच कर देना है, और यहाँ पे एक हुक लगा देना है, ये सीधे साइड का ध्यान दीजिए, और फिर ऊपर से लेके आपको सिलाई मार देना है 5 इंच तक, और 5 इंच तक इधर भी सिलाई मारना जो कि आपका अस्तर भी पकड़ ले रहा है। ये सिलाई लग गया हुआ है ऊपर से जो कि आपकी प्लेट खुलेगी भी नहीं, बराबर बंधी भी रहेगी। ये देखिए आपका इलास्टिक का एरिया हो गया इतना प्लेन, ये इलास्टिक का एरिया लूज टाइप हो सकता है तो ये सहायता करेगा। ये देखिए फिर यहाँ पर आपको आई लगाना है, आई लगाएंगे जो कि ऐसे घूम के आके बंद होएगा, ये तो यहाँ कम ज़्यादा कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 आई हमने बनाया कपड़े का बना के, जो कि देखिए ये इसमें बंद रहेगा। तो देखिए ऐसा गोल घूम के आएगा, ऐसा जब साड़ी आप पहनेंगे तो देखिए यहीं बंद हो जाएगा, देखिए ऐसा, ये देखिए ये आपका कमर बन जाएगा। तो देखिए यहाँ भी लगा सकते हैं आपको, जहाँ लूज टाइप जितना आपको चाहिए आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं, देखिए इधर भी लगा सकते हैं। तो आपका 34, 35, 36 साइज, 32 साइज, 40 साइज, 42 साइज के लोग पहन सकते हैं इसको। ये राउंड जो आप देख रहे हैं ये आई आपको जो भी आपका कमर है, जो भी कमर है वो कमर के कम से कम 2 इंच अंदर से लगाना, जो कि आपको लूज टाइट करने में आपको सहायता मिल जाए, आपकी फिटिंग बराबर हो जाए। अब लास्ट में आपको क्या करना है, लास्ट में एक नाड़ी और 30 इंच का बना के लगा देना है, जो कि ये नाड़ी जब घेरा पहनेंगे तो बांधने में सहायता रहेगी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसको मणि क्वीन पे बिना के कैसा लगता है, देखिए